इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सोया फ्राइड झोल मोमो का रेसिपी जो मैंने मेरे बेटे के लिए बनाई थी। इंस्टेड ऑफ सोयाबीन यू कैन ऐड चिकन, ऑल्सो चिकन से भी ये उतना ही अच्छा बनेगा। सो वेलकम बैक टू अनदर डे इन टू माई चैनल, और चलिए एक साथ बनाते हैं ये सोया फ्राइड झोल मोमो। यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए बिठाया है और इस पर दिया है एक चुटकी भर नमक, और उस पर मैं ऐड कर दूंगी जो मेरा सोया नगेट्स है वो, और इनको मैं बस एक या दो मिनट उबालूंगी और इसके बाद ठंडा पानी से अच्छे से तीन चार बार धो लूंगी ताकि सोयाबीन का जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं पानी निचोड़ के एक मिक्सी के जार पर लेके इसका एक दरदरा पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई पे दिया है थोड़ा सा तेल और इस पर मैं ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन, और लहसुन थोड़ा सा सौते करने के बाद इस पर मैं ऐड करूंगी चॉप किया हुआ प्याज। आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है मोमो में अगर अदरक का कोई एरोमा रहे तो, मुझे अच्छा लगता है लहसुन का ही एरोमा रहे, तो मैंने प्याज ऐड कर दिया है। और थोड़ी देर तक मैं इनको सौते कर लूँगी। थोड़ा सा चॉप्ड मिर्चा भी मैंने ऐड कर दिया है। मिर्चा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कीजिएगा लेकिन मैंने इतना ही मिर्चा ऐड किया है। और अभी मैं इस पर ऐड कर दूंगी जो मेरा सोयाबीन का मीन्स है वो, और थोड़ी देर तक अच्छे से हमको भूनना है। भूनते भूनते ही मैं ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और उसी के साथ मैं ऐड करूंगी मैगी का जो मसाला मैजिक आता है वो, इससे बहुत ही एक अच्छा सा एरोमा आएगा इस स्टफिंग में। स्टफिंग जो है वो रेडी हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे लिया है मैदा और इस पर दिया है एक चुटकी भर नमक, कर दूंगी थोड़ा सा तेल और अच्छे से मोयम देके एक डो रेडी कर लूँगी। जिस तरह से मोमो के लिए डो बनाया जाता है उसी तरह से, कह सकते हैं पूरी के लिए जिस तरह से हम डो बनाते हैं उसी तरह से, तो मैंने डो बना लिया है। इसको बस कुछ देर तक मैंने रेस्टिंग मोड पर रखा था, अभी छोटे छोटे लोई बना के इसका पूड़िया बना लूँगी। तो मेरा सारा जो पुड़िया है वो मैंने पहले बेल लिया था, अभी मैं इन पे स्टफिंग देख के फिल कर दूंगी। और आपका मन पसंदीदा किसी भी तरह का शेप आप दे सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा मोमो का शेप दिया है बस और कुछ नहीं है। तो पहले मैं एक एक करके सारे रेडी कर लेती हूँ। कढ़ाई पे मैंने बहुत थोड़ा सा तेल दिया है और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही हमको फ्राई करना है। आप चाहे तो फ्राई ना करके स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज स्टीम ना करके मैंने फ्राई ही किया था। बहुत हल्का सा फ्राई करना है हमें, बस और कुछ नहीं है। तो मोमो मेरा फ्राई हो गया है, अभी मैंने तेल दिया है उस पर दिया है थोड़ा सा सेसमी सीड, और इस पर मैं दूंगी थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन, और साथ में दूंगी प्याज, और अच्छे से मैं भूनूंगी क्योंकि मुझे अभी ग्रेवी बनाना है, कह सकते हैं झोल बनाना है हमें। प्याज को मैंने राफली चॉप कर लिया था वही मैंने ऐड कर दिया है। दिया है एक सूखी लाल मिर्च और दिया है दो
टमाटर को मैंने राफली चॉप करके अच्छे से थोड़ी देर तक सौते कर लेना है हमें। नाउ मसाला मेरा भून चुका है, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था मिक्सी पे और थोड़ा सा तेल ऐड करके फिर से मैंने पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला जो है वो ऑलरेडी भुना हुआ ही है। बस एक दो मिनट भूनेंगे और इसके बाद मैं इस पर पानी ऐड कर दूंगी, लेकिन हाँ नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। आखिर में मैंने ऊपर से दिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप और दूंगी साथ में थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता और थोड़ा सा मिंट को मैंने एक ही साथ चॉप कर लिया था। प्लेट में मैंने रख दिया है सारा मेरा जो मोमो है वो, और ऊपर से बस थोड़ा सा झोल दूंगी। इस तरह से मोमो बना के खा के देखिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए, ऊपर से दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक गुच्छा पुदीना का, बस रेडी है।